वॉशरूम में दाखिल होकर उसने दरवाजा बोल्ट किया और जेब में हाथ डालकर पॉकेट साइज रेडियो निकाल लिया, जिसे सिटी की हल्की हल्की सी आवाज निकल रही थी। वो रेडियो दरअसल जदीद किस्म का ट्रांसमीटर था, जिसके ऊपर छोटे छोटे बटन और नाब लगी थी। उसने एक बटन दबाया तो सिटी की आवाज बंद हो गई और एक इंसानी आवाज सुनाई देने लगी। हेलो सुभाष, मुरलीदास कॉलिंग ओवर, ट्रांसमीटर से आवाज सुनाई दी। यस मुरलीदास, सुभाष रिसीविंग यू ओवर, सुभाष ने कहा। कोड प्लीज, ओवर, मुरलीदास ने कहा। डेथ एंजल्स, ओवर, सुभाष ने कोड बताते हुए कहा। क्या खबर है सुभाष, क्या वो अभी तक वहीं है, ओवर, मुरलीदास ने पूछा। हाँ वो अभी तक वहीं है, अभी एक मिनट पहले वो बाहर गया था और करीबी बुक स्टॉल से एक मैगजीन खरीदकर वापस अपने फ्लैट में चला गया, अभी तक कोई उसे मिलने भी नहीं आया, ओवर, सुभाष ने कहा। अच्छा फिलहाल तुम वहां से चल पड़ो, चीफ ने तुम्हारे लिए नई हदायत दी हैं, ओवर, मुरलीदास ने कहा। ओह कौन सी हदायत, ओवर, सुभाष ने चौंकते हुए पूछा, तो मुरलीदास उसे हदायत की तफसील बताने लगा। सुभाष तवज्जो से सुनता रहा। ऑल राइट, मैं समझ गया हूं, मेरे साथ कौन होगा, ओवर, सुभाष ने पूछा। मैं नहीं जानता और तुम्हारा भी उससे ला इल्म रहना ही मुनासिब है, अलबत्ता इतना कह सकता हूं कि कोई ना कोई साथी तुम्हारी हिफाजत के लिए वहां मौजूद होगा, मगर सिर्फ खतरे की सूरत में वो तुम्हारी मदद करेगा, ओवर, मुरलीदास ने कहा। अजीब बात है, अगर तुम बता दो तो क्या हर्ज है, ओवर, सुभाष ने मुंह बनाते हुए कहा। सॉरी, चीफ ने सख्ती से मना किया है, बहरहाल अब तुम मिशन पर रवाना हो जाओ, मिशन मुकम्मल करके सीधे अपने ठिकाने पर चले जाना, ओवर, वहां से मुझे कॉल करना, ओवर एंड ऑल, मुरलीदास ने कहा। तो सुभाष ने ट्रांसमीटर ऑफ करके जेब में रख लिया, फिर वो वॉशरूम से निकल आया, उसका रुख इमारत के गेट की तरफ था। बाहर आकर वो दाईं जानिब चल दिया, चंद कदम के फासले पर सफेद रंग की एक कार खड़ी थी, वो कार में बैठा और इंजन स्टार्ट करके उसने कार आगे बढ़ा दी। चंद मिनट बाद वो शाहरा इब्राहिम पर पहुंचा और एयरपोर्ट की तरफ कार दौड़ाने लगा। कुछ देर बाद वो एयरपोर्ट की मुखालिफ सिमत में इब्राहिम कॉलोनी की तरफ मुड़ गया। चंद मिनट बाद सुभाष ने एक होटल के बाहर कार रोकी और इंजन बंद करके नीचे उतर आया। सड़क की दूसरी जानिब एक शानदार और वसीओ अरीज हवेली थी, जिस पर जली हरूफ में इब्राहिम मेंशन लिखा हुआ था। इस हवेली से मुलहका गली में एक डेरा था, सुभाष सड़क क्रॉस करके उस गली में दाखिल हुआ। डेरे के दरवाजे के सामने से गुजरते हुए उसने कुन आंखियों से अंदर का जायजा दिया। खुले दरवाजे से डेरे का सहन दिखाई दे रहा था, जहां चंद अफराद चटाइयों पर बैठे थे, मगर उनमें उसका मतलूबा शख्स मौजूद न था। सुभाष चंद कदम आगे जाकर मुड़ा और वापस चल दिया। सड़क पार करके वो सामने नजर आने वाले होटल में दाखिल हुआ। होटल में उस वक्त चंद गाहक बैठे खाना खा रहे थे। वो एक खाली मेज पर बैठा और फौरन ही एक वेटर उसके करीब आ गया। क्या लाऊं साहब, वेटर ने मोदबाना लहजे में पूछा। चाय ले आओ, उसने वेटर की तरफ देखते हुए कहा। लंच टाइम है साहब, जरा देर लगेगी चाय लाने में, वेटर ने मुंह बनाते हुए कहा। नो प्रॉब्लम, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, शाम तक तो मिल ही जाएगी, सुभाष ने मुस्कुराते हुए कहा, तो वेटर शर्मिंदा होकर आगे बढ़ गया। सुभाष ने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और एक सिगरेट सुलगाने लगा। कुछ देर बाद वेटर चाय ले आया। वेटर के जाने के बाद सुभाष ने चाय पीते हुए रेस्ट वॉच पर नजर डाली। वो चाय पीता हुआ होटल में आने जाने वालों को देखता रहा। फिर सुभाष ने वेटर को हाथ के इशारे से तलब किया और एक बड़ा नोट उसे थमा दिया।
बाकी तुम रख लेना। सुभाष ने उठते हुए कहा तो वेटर ने शुक्रिया अदा किया और सुभाष होटल से निकल आया। मुख्तलिफ अतराफ से लोग अब डेरे की तरफ जा रहे थे जहां एक मजहबी स्कॉलर ने लेक्चर देना था। वो अपनी कार में बैठा और इंजन स्टार्ट करके कार आगे बढ़ा दी। चंद कदम आगे जाकर उसने यू टर्न लिया और गली की नुक्कड़ पर आकर रुक गया। गली से कुछ लोग बाहर आ रहे थे। यहां से डेरे का दरवाजा साफ दिखाई दे रहा था। उसने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और एक रिवाल्वर निकाल लिया। रिवाल्वर की नाल पर सलेंसर नसब था। उसने रिवाल्वर अपनी दाहिनी रान के नीचे दबा लिया और फिर गली में झांकने लगा। गुजरने वाले हर लम्हा के साथ उसके दिल की धड़कने तेज होती जा रही थीं। चंद मिनट बाद हवेली के दरवाजे से 5 अफराद बाहर आए तो वो होशियार हो गया। उनमें से एक आदमी की सफेद दाढ़ी थी और उसने सर पर सब्ज रंग का अमामा रखा हुआ था। उसके बाकी चारों साथी उससे एक कदम पीछे दाएं बाएं चल रहे थे। उनका रुख सड़क की जानिब था। सुभाष समझ गया कि सब्ज अमामा पहने सफेद दाढ़ी वाला ही उसका शिकार है। उसने रान के नीचे से रिवाल्वर निकाला और इंतजार करने लगा। चंद लम्हों बाद वो 5 अफराद गली से बाहर आए और सुभाष ने जल्दी से रिवाल्वर वाला हाथ खिड़की से बाहर निकालना चाहा, मगर उसी लम्हे पिछला दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। उसने फौरन हाथ नीचे करते हुए पलट कर देखा और बेख्तियार चौंक पड़ा। अकबी सीट पर एक उधेड़ उम्र औरत बैठी मुस्कुरा रही थी। ओह, कौन हो तुम? और इस तरह गाड़ी में घुसने का मकसद? सुभाष ने घुराते हुए कहा। मजबूरी है भाई साहब, कोई टैक्सी ही नहीं मिली इसलिए, उस औरत ने शाने उचकाते हुए कहा। मेरा वक्त जाया मत करो मोहतरमा, मुझे जल्दी है, सुभाष ने इंजन स्टार्ट करते हुए कहा। कोई बात नहीं भाई साहब, मैं तुम्हें पूरा किराया दूंगी, जरा तेज चलाना, मुझे अब्दाली कॉलोनी पहुंचना है, औरत ने कहा। मगर ये टैक्सी नहीं है बेवकूफ औरत, सुभाष ने दांत चबाते हुए कहा और झटके से कार आगे बढ़ा दी। मुझे मालूम है, मगर मैं टैक्सी से दोगुना किराया दूंगी, औरत ने पर्स खोलते हुए कहा। सुभाष ने अपने शिकार की तरफ देखा। सबज अमामा वाला अपने साथियों के हमरा अब कार के करीब आ चुका था। उसने एक सेकंड के 10वें हिस्से में फैसला कर लिया कि उसे अपना मिशन मुकम्मल करना चाहिए, इस औरत से वो बाद में निमट लेगा। चुनांचे उसने रिवाल्वर वाला हाथ खिड़की से बाहर निकाला, मगर इससे पहले कि वो फायर करता, उसके रिवाल्वर वाले बाजू पर अकब से मुक्का पड़ा और उसके हाथ से रिवाल्वर निकलकर बाहर जा गिरा। ओह खबीस औरत, सुभाष ने सामने लगे आईने में औरत को देखते हुए कहा। बेवकूफ आदमी, ये तुम क्या कर रहे थे? अपने साथ मुझे भी जेल की दाल खिलाते, औरत ने गुस्से से कहा, जबकि सुभाष नाकामी के एहसास से झंझला उठा। उसने कुछ दूर आगे जाकर कार एक पार्क के सामने रोकी, लेकिन इस दौरान औरत हैरत अंगेज फुर्ती से कार से उतरकर जा चुकी थी। सुभाष ने बुखलाकर इधर उधर देखा, लेकिन वो औरत कहीं नजर ना आई। वो सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए, उसका शिकार अब उसकी पहुंच से दूर जा चुका था। फिर उसे ख्याल आया कि मुरली दास उसकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहा होगा। उसने फौरन ही जेब में हाथ डाला, छोटा सा ट्रांसमीटर निकाला और उसका एक बटन दबाकर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने लगा। हेलो मुरली दास, सुभाष कॉलिंग ओवर, सुभाष ने कहा। यस मुरली दास रिसीविंग यू, क्या तुम मिशन में कामयाब हो चुके हो? ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से मुरली दास की आवाज सुनाई दी। नहीं, गड़बड़ हो गई थी, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सका, ओवर, सुभाष ने कहा। ओह कैसी गड़बड़ ओवर,
मुरली दास ने पूछा तो जवाब में सुभाष उस बेवकूफ औरत के बारे में बताने लगा। अजीब बात है चीफ, तुम्हारी नाकामी बर्दाश्त नहीं करेगा। याद करो, तुमने इस औरत को उससे पहले रास्ते में कहीं देखा था? ओवर, मुरली दास ने पूछा। नहीं ओवर, सुभाष ने पूरे वसूख से कहा। ये इत्तेफाकिया वाकया नहीं हो सकता। अवल तो यहाँ की आला से आला सोसाइटी में भी ये रविश नहीं है कि कोई अकेली औरत बगैर इजाजत किसी अजनबी मर्द की गाड़ी में बैठे, चाहे वो 100 साल की बुढ़िया ही क्यों ना हो। दूसरा, कोई अजनबी औरत इतनी जुरत से किसी का रिवाल्वर नहीं गिरा सकती, जबकि उसे रिवाल्वर के हदफ कभी इल्म ना हो। इसलिए इस अमकान पर गौर किया जा सकता है कि वो औरत पहले से तुम्हारे ताकुब में थी और तुम्हारे मिशन को नाकाम बनाने के लिए तुम्हारी कार में घुस बैठी थी। ओवर, मुरली दास ने कहा तो सुभाष चकरा कर रह गया। मुरली दास की बात में काफी वजन था। वो उस औरत के मुतालिक सोचने लगा। अरे ओवर, सुभाष ने कहा। क्या हुआ सुभाष? ओवर, मुरली दास ने चौंकते हुए पूछा। मुझे याद आ गया उस सीक्रेट एजेंट के फ्लैट की निगरानी के दौरान, जिसका हुलिया तुमने मुझे बताया था और फ्लैट की लोकेशन समझाई थी, मैंने इस औरत को सीढ़ियों के रास्ते ऊपर जाते देखा था। ओवर, सुभाष ने कहा। ओह समझ गया, एक मिनट होल्ड करो, मैं चीफ से बात करके तुम्हें हदायत देता हूँ। ओवर, मुरली दास ने कहा और सुभाष इंतजार करने लगा। एक मिनट बाद ट्रांसमीटर से मुरली दास की आवाज उभरने लगी। हेलो सुभाष, क्या तुम सुन रहे हो? ओवर, मुरली दास ने कहा। यस मुरली दास, तुमने चीफ को रिपोर्ट दे दी है? ओवर, सुभाष ने जल्दी से पूछा। हाँ, चीफ खुद तुमसे बात करना चाहता है, इसलिए तुम ट्रांसमीटर के तमाम बटन दबाओ और उसके बाद 0 पर फ्रीक्वेंसी सेट कर लो। ओवर, मुरली दास ने कहा। ऑल राइट, मगर उससे क्या होगा? सुभाष ने हैरान होते हुए पूछा। चीफ से तुम्हारा डायरेक्ट रब्ता कैम हो जाएगा। ओवर एंड ऑल, मुरली दास ने कहा और सिलसिला मुनकते हो गया। सुभाष ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया, फिर उसने ट्रांसमीटर पर लगे हुए तमाम बटन वक्त दबाए और नाप घुमाकर फ्रीक्वेंसी सेट करने लगा। फिर जो ही ट्रांसमीटर की सुई 0 पर पहुंची, फिजा एक कान फाड़ धमाके से गूंज उठी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीघर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।